नमस्कार दोस्तों, जीके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे उज्जैन में स्थित मां हर्षित माता के रहस्य के बारे में। दोस्तों मां हर्षित माता का मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 350 मीटर की दूरी पर स्थित है। हर्षित माता का मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो उज्जैन आने वाले श्रद्धालु के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर्षित माता मंदिर का निर्माण मराठा काल के दौरान किया गया था, जिसमें मंदिर की मुख्य देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति, महासरस्वती और महालक्ष्मी की मूर्तियों के बीच गहरे लाल रंग में स्थापित है। दोस्तों मां हर्षित माता का मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। दोस्तों यहाँ ये माना जाता है कि यह मंदिर उस प्रसिद्ध स्थान पर बना है जहाँ देवी सती की कोहनी गिरी थी। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि यहाँ के पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि उस समय चंडमुंड नामक दो दैत्य थे, जिन्होंने बहुत आतंक मचा रखा था। इस कारण भगवान शिव के कहने पर देवी पार्वती ने दोनों राक्षसों को मारने के लिए हर्षित का रूप धारण किया था, जिसके बाद देवी सती को उनके एक और नाम मां हर्षित के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों तरावली के महंत मोहनगिरी के अनुसार सालों पूर्व जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक हुआ करते थे, उस समय विक्रमादित्य काशी गए थे। वहां पर उन्होंने मां की आराधना कर उन्हें उज्जैन चलने के लिए तैयार कर लिया। इस पर मां ने कहा था कि वह एक शर्त पर ही चलेंगी, वह अपने चरण यहाँ छोड़ के ही जाएंगी। जैसे ही सुबह होगी माँ जहाँ होगी वहीं विराजमान हो जाएंगी। इसी दौरान जब वो काशी से चले तो तरावली स्थित जंगल में सुबह हो गई, जिससे माँ शर्त के अनुसार तरावली में ही विराजमान हो गई। इसके बाद विक्रमादित्य ने लंबे समय तक तरावली में माँ की आराधना की। माँ जब फिर से प्रसन्न हुई तो वह केवल शीश के साथ चलने के लिए तैयार हुई। इससे माँ के चरण काशी में, धड़ तरावली में और शीश उज्जैन में रह गए। दोस्तों उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में माता हर्षित का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। ये विक्रमादित्य के सिर बताए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रमादित्य देवी को प्रसन्न करने के लिए 12वें वर्ष अपने हाथों से अपना मस्तक काट कर बलि देते थे। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वें बार सिर नहीं आया तो समझ गए कि उनका शासन खत्म हो गया। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया। वैसे ये देवी वैष्णवी हैं तथा यहाँ पूजा में बलि नहीं चढ़ाई जाती। परमारवंशी राजाओं की भी ये कुल देवी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको ये माता की महिमा कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए और भी अच्छे नए नए वीडियो ला सकें। दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।